मराठा राजनीति में पानीपत के तीसरे युद्ध के उपरांत बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हुए दिखाई देते हैं। जैसा कि पानीपत के तीसरे युद्ध का परिणाम मराठा राजनीति पर हम लोगों ने देखा कि उसकी वजह से मराठा राजनीति अस्त व्यस्त हो जाती है और उन्हीं स्थितियों का लाभ उठा करके विघटनकारी शक्तियाँ प्रभावी होने लगती हैं। पानीपत के तीसरे युद्ध में परास्त हो जाने पर मराठा इतिहास को लिखने वाले इतिहासकार सरदेसाई ने एक अपनी बात रखते हुए ये कहा कि मराठा साम्राज्य के लिए पानीपत के मैदान के युद्ध इतने घातक नहीं थे जितने कि 1772 में पेशवा माधवराव की मृत्यु के परिणाम थे। पेशवा माधवराव 1772 ईस्वी में मृत्यु को प्राप्त हुए, लेकिन इनके पीछे उस समय कोई भी पुत्र या उत्तराधिकारी नहीं था। इस कारण उनकी मृत्यु के उपरांत उनका छोटा भाई नारायण राव मराठों का पांचवा पेशवा बना, लेकिन वह माधव राव की तरह कोई अनुभव नहीं रखता था, या कहें कि माधव राव के समान उसमें योग्यता नहीं थी। इनका लाभ उठा करके मराठा राजनीति में उनके चाचा रघुनाथ राव ने कूटनीतिक पूर्वक अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास आरंभ किया। वह एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे और माधव राव के शासनकाल में भी उन्होंने अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए कई नैतिक अनैतिक कार्य भी किए। नारायण राव रघुनाथ राव की महत्वाकांक्षाओं को नियंत्रण में नहीं रख सका और रघुनाथ राव ने 30 अगस्त 1773 ईस्वी को रघुनाथ राव नारायण राव की हत्या करवा दी और स्वयं पेशवा बन बैठा। इसका प्रभाव मराठा राजनीति पर हमको बहुत गहराई से दिखाई देता है। पूना की राजनीति इस घटना से बहुत गहराई से प्रभावित हुई। नारायण राव की हत्या का मराठों की राजनीति पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। रघुनाथ राव महत्वाकांक्षी और विश्वासघाती तो था ही, साथ में वह कुशल प्रशासक नहीं था। उसने अपने भतीजे की हत्या करवाकर मराठों की केंद्रीय शक्ति को पूर्ण रूप से अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास तो किया, लेकिन वह इसमें पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। इस कारण नाना फडणवीस के नेतृत्व में अनेक मराठा सरदारों ने उसकी प्रभुसत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसी दौरान माधव राव की विधवा पत्नी गंगाबाई से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसने मराठा राजनीति में एक नए मोड़ को जन्म दिया। नाना फडणवीस के नेतृत्व में 12 मराठा सरदारों की एक परिषद 12 भाई काउंसिल या 12 भाई परिषद का गठन किया और उसने नारायण राव के पुत्र को अपना पेशवा मान लिया। वह अल्पसंख्यक पुत्र माधव राव द्वितीय के नाम से पेशवा बना। रघुनाथ राव ने विवश होकर पूना छोड़ा, लेकिन सत्ता प्राप्ति के लिए वह निरंतर प्रयास करने लगा और इसी क्रम में वह बंबई पहुंचा, जहां ब्रिटिश कंपनी अपना प्रभाव जमाए हुए थी। वहां जाकर रघुनाथ राव ने ब्रिटिश कंपनी से अपनी सहायता की याचना की। अंग्रेज जो इस अवसर की तलाश में ही बैठे थे, अप्रैल 1772 में जब माधव राव मृत्यु की शैया पर पड़ा हुआ था, तब बंबई परिषद के अध्यक्ष को ब्रिटेन के गृह अधिकारियों की ओर से आदेश मिले कि वह भारत की मुख्य भूमि पर सालसेट, एलिफेंटा, करंजा और बंबई के आसपास के कुछ अन्य क्षेत्र
मराठों से किसी भी तरह से प्राप्त करे। कंपनी के संचालकों का यह आदेश क्रियान्वित करने का ये बहुत सुनहरा मौका उन्हें मिला। इसके अलावा वे मराठा शक्ति को समाप्त भी करना चाहते थे। इन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बंबई की परिषद ने रघुनाथ राव से समझौता कर लिया। इन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति के उद्देश्य से बंबई परिषद ने रघुनाथ राव से 7 मार्च 1775 को एक संधि की। इतिहास में यह संधि सूरत की संधि के नाम से जानी जाती है। इस संधि की शर्तों के अनुसार ब्रिटिश कंपनी रघुनाथ राव को अपनी सैनिक शक्ति से पेशवा का पद दिलवाएंगे, लेकिन वे अपने लगभग 2,500 सैनिकों का खर्चा भी रघुनाथ राव से वसूल करेंगे। दूसरी शर्त के अनुसार रघुनाथ राव को सालसेट, बेसिन और बंबई के आसपास के द्वीप ब्रिटिश कंपनी को सौंपने होंगे। इसके साथ साथ गुजरात में स्थित भड़ौच और सूरत के जिलों के लगान का एक भाग भी ब्रिटिश कंपनी को नियमित रूप से देना होगा। तीसरी शर्त के अनुसार रघुनाथ राव कंपनी की बिना अनुमति प्राप्त किए किसी अन्य यूरोपीय कंपनी से संधि नहीं करेगा और अंग्रेजों के अलावा वह किसी अन्य यूरोपियन को अपनी सेवा में भी नहीं रख सकेगा। इस संधि की चौथी शर्त के अनुसार मराठा भविष्य में कर्नाटक और बंगाल पर आक्रमण नहीं करेंगे। मराठों ने अंग्रेजों के विरुद्ध कोई सैनिक अभियान नहीं किया था। पूना के पेशवा ने अंग्रेजों के विरुद्ध किसी को सहायता भी नहीं दी थी, लेकिन ब्रिटिश कंपनी की साम्राज्यवादी भावना इस समय इतनी उग्र हो गई थी कि वे उचित या अनुचित का विचार नहीं कर रही थी। इसी समय ब्रिटेन की संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट पास किया और इसके कारण सूरत की संधि का अनुमोदन बंबई परिषद को गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स से करवाना था, लेकिन तत्कालीन बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स इस संधि के विरुद्ध थे। बंबई परिषद के एक सदस्य विलियम टेलर ने अपनी परिषद को गवर्नर जनरल की काउंसिल के समकक्ष बताते हुए यह कहा कि इस संधि को स्वीकार करने का अधिकार बंबई परिषद के पास है, अतः इस आधार पर यह संधि वैध है। साथ ही इस संधि का सीधा लाभ अंग्रेजों को भारत में साम्राज्य विस्तार के क्रम में मिलेगा। इसके तहत इन्होंने इस संधि को स्वीकार किया। यद्यपि यह संधि स्वीकार किए जाने अथवा ना किए जाने संबंधी विवाद में उलझी रही, लेकिन इस संधि के अंतर्गत ब्रिटिश कंपनी का मराठा राजनीति में आंतरिक हस्तक्षेप करने का मार्ग प्रशस्त किया और इसी हस्तक्षेप ने मराठा और ब्रिटिश कंपनी के बीच एक कटुता का बीज भी बोया। इसके उपरांत ब्रिटिश कंपनी और मराठों के मध्य जो संघर्ष आरंभ होंगे उनका यह भी एक कारण बना, जिसके चलते दोनों पक्षों के मध्य संघर्ष की स्थिति पैदा होने लगी। ब्रिटिश और मराठों के बीच संघर्षों के कारक के रूप में सूरत की संधि का अत्यंत महत्व है।